नमस्ते राधे राधे हेलो एवरीवन तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर जुलो आपका जो जुलो, जुलोजी है फिफ्थ सेमेस्टर का उसका पेपर सेकंड का जिसमें टोटल हंड्रेड क्वेश्चन है जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं ठीक है इसमें इस, इस सीरीज़ में हम केवल आंसर आंसर डिस्कस करेंगे कोई चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे कि कैसे क्या होता है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक सीरीज ऐसा रहे कि जिसे आप जाते वक्त क्विक एक रिविजन में जितना छोटा से छोटा हो सके देख सके ठीक है तो इसलिए ये सीरीज बनाई गई है जिसमें टोटल हंड्रेड क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स मैंने हाईलाइट किए हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताती चलूँगी ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए बहुत ऐसे टाइम पे होता है कि नोट्स देखने का मन नहीं करता है तो आप वीडियो एटलीस्ट चला के देख सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इन नोट्स की अगर आपको पी चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रिसेप्टर इज टूमुलेटेड बाई टच एंड प्रेशर वाइब्रेशन एंड बैलेंस कौन सा रिसेप्टर होता है तो आंसर आपको पता होगा दैट इज कॉल्ड मैकेनो रिसेप्टर ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विसरल रिसेप्टर इनमें से कौन सा विसरल रिसेप्टर यानी कि जो ऑर्गन विसरल ऑर्गन होते हैं उनका रिसेप्टर होता है दैट इज इंटर रिसेप्टर मसल्स कैसे होते हैं मसल्स मैकेनो रिसेप्टर होते हैं टेट्रापॉड टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन कहाँ कहाँ पे टेट्रापॉड में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है तो ऑल टंग पैलेट फेरिंग सब जगहों पे क्या होता है प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑर्गन ऑफ पैक्टन इज फाउंड इन द आई ऑफ ऑर्गन ऑफ पैक्टन किसकी आई में पाया जाता है तो बर्ड की आई में पाया जाता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम तो न्यूरोलॉजी बोला जाता है कनेक्टिव लिंक द रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एफेक्टर्स तो उसको क्या कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं कनेक्ट टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम तो उसे क्या कहते हैं न्यूरोग्लिया बोला जाता है ठीक है निजल्स ग्रेन्यूल्स किसके बने होते हैं तो निजल्स ग्रेन्यूल आपके आर एन ए के बने होते हैं मास ऑफ सेल बॉडीज विद इन ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दैट इज न्यूक्लियस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एम सिलोम इन एम्फी ऑक्स इज तो इंटरोसिलोमिक टाइप होता है एट्रियम इन बैक्रियोस्टोमा इज फाउंड बाई ए पेयर ऑफ मेटाप्ल फोल्ड इन स्टोमा गिल स्लिट्स ओपन किस में होता है एट्रियम में ओपन होता है माउथ जो होता है स्टोमा का किससे बॉर्डर होता है ओरल हुड से व्हील ऑर्गन किसका पार्ट है ओरल हुड का यूरोकॉर्डेट्स कैसे होते हैं मोस्टली सेकेंड्री होते हैं ठीक है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो एडल्ट यूरोडेट्स जो होते हैं

नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है नोटोकॉर्ड इज कन्फाइंड बाई टू प्रोबोसिस इन किसमें प्रोबोसिस में पाया जाता, तो पा जाता है नोटोकॉर्ड तो हैमिक ऑर्डिट हार्निक नहीं हैमिकॉर्डिटा होगा प्लेकॉइड स्केल किसमें पाया जाता है स्कॉलियोडॉन में पाया जाता है फर्स्ट जॉर्ड वोटिवेट क्लास कौन सा था प्लेकोडरमाई ठीक है आगे मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एंडोस्केलेटन ऑफ एनिमल इज कैसा होता है लिविंग स्ट्रक्चर होता है और उसमें ग्रोथ होता है ठीक है

किडनी इन कॉन्ड्रैक्स कॉन्ड्रैक्थिस फीस जो तीन में उनमें किडनी कैसी होती है और होती है टेल बोनी फीसिस में कैसी होती है हीमोसर्कल टाइप की होती है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो पूछा जा रहा है कि जो सुपर क्लास पीसीज है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सिंसेली एक, एक्वाटिक और उनके क्या यूज़ होते हैं तो पेयर्ड फिन पाए जाते हैं स्विमिंग के लिए गिल पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए एम्फीबियंस में रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है गिल्स में लंग्स में स्किन में और बक्कल लाइनिंग में इरेथ्रोसाइट्स और एम्फीबियंस कैसे होते हैं एम्फीबियंस के एरेथ्रोसाइट हम लोगों के कैसे होते हैं ई न्यूक्टेड न्यूक्लियस नहीं होते लेकिन यहाँ पे ओवल और न्यूक्लिएटेड होते हैं पीडोजनसिस का मतलब क्या होता है प्रिकॉशियस डेवलपमेंट ऑफ गोनड गोनट का प्रिकॉशियस डेवलपमेंट ठीक है नेक्स्ट कैरेक्टर पूछा जा रहा है कि पेरिटल न्यूटेनी रिफर्स टू तो इसका मतलब होता है डिलेड बटामोरफोसिस ड्यू टू इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज इन इन्वायरमेंट

मैमल्स के टीथ कैसे होते हैं ठीक है तो, तो ये थीकोड हेट्रोडॉों और डायफाइडोंट होते हैं डेंटल फार्मूला की बात की जाए तो इक्कीस तेईस इक्कीस तैंतीस ठीक है इक्कीस तैंतीस इक्कीस तैंतीस ये होता है ठीक है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स क्या कहलाता है एनाटॉमी कहलाता है क्या कहलाता है एनाटॉमी कहलाता है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग एनिमल्स की क्या होती है इंटेगोमेंट होती है नॉट फंक्शन इन स्किन डाइजेशन इंटेगमेंटरी ग्लैंड सिक्रीट टीयर्स लेक्रीमल ग्लैंड होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाइटमिन डी थ्री सिंसिसाइड मेमिलियन स्किन फॉर्म क्या फॉर्म करता है सीबम डर्मिस ऑफ इन डरिसमेंट किसके डिराइव होता है मीजोडर्मल स्किन से मीजोडर्मल ऑर्जिन का होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में इन लिविंग इन लिविंग एम्फीवियंस एक्जोस्कल्टेंट क्या होता है एबसेंट होता है फोराम मैगनम कहाँ पाया जाता है बर्ड के फेसेस में डाउनवर्ड पाया जाता है जॉस स्पोन्सोरियम इन नलाजमो ब्रांक हाओ स्टाइलिक होता है सिंगल पेयर्ड मिड वेंटल ऑफ सेंट्रम इन वर्टिब्रिट हाइपोफाइसिस बोला जाता है ठीक है आगे पार्ट ऑफ आर कनेक्टेड बाई योक्साइड तो क्या होता है मिडगट होता है क्या होता है मिडगट होता है ठीक है ईसोफाइगस इन एडल्ट वर्टिब्रेट इज डिराइव्ड फ्रॉम ठीक है तो फोरगट से डिराइव होता है ट्रू मस्कुलर रिप्स आर प्रेजेंट इन मैमस फ्रॉक्स में टंग कैसा होता है डेफिनेट टंग पाया जाता है लार्जेस्ट ओरल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है मैमल में पाया जाता है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गिल्स एंड लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर डेरिवेटिव ऑफ फेरिंग्स कंप्लीट गिल किसको कहते हैं होलोब्रां कहते हैं इन बोनी फिजिस राइजेस फ्राम हायर्ड आर्क से रेस्पिरेटरी ऑर्गन इम्ब्रियनिक वर्टिग्रेट का ये ऑक्साइक होता है फंक्शनल यूनिट किडनी का नेफ्रॉन होता है ठीक है फंक्शनल एडल्ट गोनड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ जेनाइटल रिस्क तो किससे गोनल से डिराइव्ड होता है द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी कहा जाता है ठीक है कनेक्टिव लिंक बिटवीन बिटवीन रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्टिव टिश्यू किस नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं न्यूरोग्लिया निजल ग्रेन्यूल्स को क्या कहते हैं आर एन ए अ मास ऑफ सेल बॉडीज दैट ग्रे मैटर ब्रेन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तो क्या कहते हैं न्यूक्लियस रिसेप्टर स्टूमुलेटेड बाय टच प्रेशर एंड वाइब्रेशन एंड बैलेंस तो उसे क्या कहते हैं माइकेनो रिसेप्टर विच ऑफ द फॉलोइंग विसरल रिसेप्टर इंटर रिसेप्टर मसल्स कैसे होते हैं मैकेनो रिसेप्टर होते हैं टेस्ट बर्ड टेट्रापोर्ड में सारे होते हैं ऑर्गन ऑफ पेक्टेन बर्ड में ये क्वेश्चन आई थिंक रिवाइज हो गए हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ नेक्स्ट पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंबर ऑफ सब यूरोकॉर्डेटा ठीक है तो नोटोकॉर्ड फाउंड इन लार्वल एंड इज टेल ओनली

क्या करते हैं वेनेडियम को एक्सक्राइड करते हैं तो ये आपके टोटल टेन मिनट में हंड्रेड क्वेश्चन है होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए थैंक यू